गुरु जी का आशीर्वाद जिसके नाल है उन्होंने बीमारी रह ही नहीं सकती। बस श्रद्धा भाव पेशेंट भी होना चाहिए डॉक्टर इतने के जेडे बंदे श्रद्धालु है समर्पित है असं कहने उन्हों की भावना बनी रहे यही साड़ी प्रेयर है। ब्रह्मलीन संत श्रोमणी बाबा बंसीवाला दे वलों शुरू किया गया बाबा बंसीवाला चैरिटेबल ट्रस्ट दे वलों शहर वासियां नूं वधिया सहूलतां यानी कि सेहत सहूलतां प्रदान करन दे विच जिथे अहम भूमिका निभा रहा है उथे चैरिटेबल ट्रस्ट दी समूह मैनेजमेंट कमेटी दे सहयोग सदका रामपुरा फूल विखे बवासीर भंगदर अते गुद्दा रोगां दा फ्री चैकअप कैंप लगाया गया। कैंप दे विच बवासीर ते गुद्दा रोगां दे माहिर डॉक्टर नरेश गर्ग ते मैडम डॉक्टर मंजू गर्ग ने शिरकत कीती ते अनेका मरीजां दा फ्री चैकअप कीता। मीडिया नूं जानकारी दिंदे होए डॉक्टर गर्ग ने दस्या कि घट रेट दे विच वधिया सेहत सहूलतां देना उन्हां दा मुख मकसद है ते ओह हमेशा अपनियां सेवावां शहर वासियां नूं देण दे लई वचनबद्ध रहणगे। शेरपुर ऐसे कैंप बहुत जगह पर लगते हैं जिम भी लगा के आए हैं जी सर। तो ये मेरे बाबा बंसी वाले मेरे गुरु है जी सर। बहुत ही अच्छे संत से इदा के संत बड़े रेयर होंगे। तो सर थोड़ा जहा कोई ब्रीफ करोगे सर बाबा सिर बारे सर किस तरह का जोड़ा है पेशेंट में जो भी चैक करवा जो कोई प्रॉब्लम आती है तो यदि की निशानियाँ की है सर। मेनली ये जी सब तो वड्डी प्रॉब्लम होंगी है कॉन्स्टिपेशन जिन्हों बंदियां नूं कब्ज़ रहिंदी है जिन्हों का सिस्टम ठीक नहीं डिफेक्शन टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं या जिन्हों बंदियां दा लाइफ स्टाइल कोई सारा दिन बैठे रहना कोई बहुत ज़्यादा वेट का काम करना खाना पीना ना ठीक होना अजकल साड़ियां जिहड़ियां डाइट्स ने अच्छियां नहीं है फाइबर डाइट्स नहीं मिलदियां लोग मैदा मुद्दा फास्ट फूड ज़्यादा खाई जाते हैं जिदे नाल ज़्यादा दिखना जिहड़ियां साड़ियां पुरानियां डाइट सीगियां देसी कणक देसी हुंदी सी हुण तां सारा पेस्टिसाइड इनसैक्टीसाइड इन्हां चीज़ां दे अन्ने बैड इफेक्ट्स हैगे ने जिहदे नाल इह समस्या बहुत ज़्यादा वध रही है। बड़ी कॉमन जी प्रॉब्लम है 50% ऑफ द पॉपुलेशन इहदे नाल इनवॉल्व है। अगर असीं अपनी डाइट 'च ज़्यादा फाइबर लै लईए तां कब्ज़ तों बचा जा सकदा। ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਲਓ ਕਣਕ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਓ ਅਤੇ ਫਲ ਸਲਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं दूंगी गुरु जी ले जी साडे गुरु जी का हस्पताल शुरू होया साडी कोशिश रहूगी कि जिन्ना असी ज़्यादा तो ज़्यादा इस हॉस्पिटल लई काम कर सकी असी बहुत ही अपने आप नूं लकी समझांगे। साडी गुरु जी नूं अरदास भी यही है सानूं इन्नी शक्ति दो असी मैक्सीमम इस हॉस्पिटल लई जो कर सकते हैं मतलब पूरे दम नाल पूरे जोर नाल करांगे। बाकी पूरे जिहड़ी टीम है इस हॉस्पिटल नूं मैनेज करन वाली बहुत ही डेडिकेटेड लोग है बड़ी खुशी हुंदी है सानूं गुरु जी दे बहुत परम भगत हैं और बहुत ही श्रद्धालु हुंदे हैं ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਬਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਸ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। रामपुरा फूल तो जसवीर औलख की रिपोर्ट एन7 न्यूज़।